पिछले गत वर्ष भी इसी तारीख को 24 जनवरी 2023 को इसी सभागार में स्वरोजगार उत्सव के लिए हम सब उपस्थित हुए थे और पिछले वर्ष 75,000 नौजवानों को अपने एक नए जीवन के शुरुआत का अवसर मिला था। लगभग 1100 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं को स्वरोजगार से केवल जोड़ा नहीं गया था, बल्कि आज मैं उसमें कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने खुद नहीं बल्कि कई अन्य लोगों को रोजगार दिया है। ये सिलसिला 2020 से प्रारंभ हुआ था और जब एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए युवा सपनों की उड़ान का नया माध्यम निर्मित किया गया और मोटे तौर पर एक आंकड़े के हिसाब से मुझे लगता है कि 6 लाख से ज़्यादा युवाओं की नई जीवन यात्रा ही नहीं शुरू हुई है बल्कि जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण की एक नई दास्तां भी लिखी गई है और एक सुनहरे भविष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की 3 सबसे बड़ी ताकत है, पहला किसान, दूसरा नौजवान और तीसरी ताकत हमारी बहनें महिलाएं। इस त्रिशक्ति के सामर्थ्य में नई ऊर्जा का संचार भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और मैं कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय इन 3 शक्तियों के पूर्ण उदय का मुख्य कारक था।